एवरीडे के मेकअप लुक के लिए मैं खुद को कैसे रेडी करती हूँ, चलिए सीखते हैं। तो मेरा यहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट कंसीलर है फिट मी का, जिसका शेड नंबर है 50 कैफे। उसको मैंने डिसकलर्ड एरिया में, थोड़ा डार्क एरिया में था, उसको अप्लाई कर लिया है। मेरा शेड नंबर जो है फाउंडेशन का NC45, जो कि मैक का शेड है, उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट का एक छोटा सा मिनी पैलेट था, उससे एक ब्राउन शेड लेकर के मैंने आईबॉल पे लगाया है। बस हल्का सा, बहुत लाइट सा मैं अप्लाई किया है। उसके बाद मैक का स्ट्रोक क्रीम था, मैंने उसको फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई किया, ताकि मेरा बेस जो है थोड़ा ड्यूई लगे। कलर बार के ही एक लिपस्टिक से मैंने ब्लश ऑन किया है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लशर नहीं थे। फिर बेस को सेट करने के लिए NC43.5 मेरा जो शेड है पाउडर का, उससे मैंने अपने बेस को सेट किया है। एल्फ का जो हाइलाइटर है, उससे मैंने अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे अच्छे से हाइलाइट किया है। मस्कारा मैंने फॉरएवर 52 का अप्लाई कर रही हूँ। मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट हैं, तो एवरीडे के लिए मैं एट्यूड हाउस का ही आईब्रो पेंसिल जो है वो यूज़ करती हूँ। काजल मैंने मैक का ही अप्लाई किया हुआ है, और जो लाइनर है वो कलर बार का जेल लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मेरे पास मैक का ही प्लम कलर का एक लिप शेड था, उसको मैं अप्लाई कर रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे फेस पे पता नहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेकअप फिक्स करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लिप शेड जो है चेंज करना चाहिए। तो मैंने ट्यू फेस्ड का एक रेड कलर का लिपस्टिक अप्लाई किया, और ये फाइनल रिज़ल्ट था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये मेकअप